तो क्या हाल गाइज, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो गाइज देखो, मेरा रैंक अभी आज चल रहा है 1500 और मेरे पॉइंट्स हैं 4372। अब देखो आज की बात करें, आज कौन किरर कितने पॉइंट्स पे मिलेगा, बहुत से बंदे पूछते रहते हैं मेरे को लाइव स्ट्रीम में। तो भाई मैं बता देता हूँ, आज कौन किरर आपको 4550 या 30 या 40 पॉइंट पे मिल जाएगा अगर तुम रात के 11 या 12 बजे तक 300 रैंक छोड़ दोगे ना, तो तुमको सुबह कौन किरर मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइज देखो क्या होता है कि डेली 6 घंटे मिलते हैं और 6 घंटे को तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। मतलब हर एक गेम तुमको ट्राई करना है कि कितना भी प्लस मिले मिलना चाहिए, बट माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस मिलना चाहिए। भले ही 10 प्लस मिले या 20 या 50, जितना भी प्लस मिले प्लस होना चाहिए। मतलब अभी देखो मेरा 1500 रैंक चल रहा है, मेरा कौन गेयर हो चुका है, मैंने 5 गेम खेल के फ्रेम भी ले लिया। तुम्हारा रैंक और टीयर क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और गाइज मैं 2 दिन से भाई थोड़ा सा बुखार आ रहा है, दवाई वाई चल रही है, खा रहा हूँ, उस फोकस से नहीं खेल पा रहा हूँ। फिलहाल बात करते हैं गेम की। तो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ इवेंट पे, इवेंट पे आने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ पेट्रोल पंप पे। तभी भाई ये बंदा जो स्काइलन था, स्काइलन गेमिंग, वो भाई मेरे पे कर देता है रस। और भाई वो जा रहा था, रोटेशन ले रहा था, और उस चक्कर में भाई यहाँ पर वो किल के चक्कर में रुक जाता है, और किल के चक्कर में भाई यहाँ पर हम उसको किल कर देते हैं। सामने की तरफ एक बंदा रहता है जो कि भाई उसको मैंने पहले भी डैमेज दिया था, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो रुका हुआ था, लेकिन मैंने गाड़ी के टायर फोड़ दिए थे जिससे कि वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बंदा गाड़ी उठा के निकलने का ट्राई करता है। अब यहाँ पर देखना कि ये बंदा तो भाई मेरे से बच जाता है, मतलब बच के निकल जाता है यहाँ से। अब मैं सोचता हूँ यार भाई, अब यहाँ पर उस बंदे से फायर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, मैंने कहा ये मेरे को स्पॉट नहीं किया होगा, मैं जाके प्रॉन होके शॉट मारूंगा, इस पर ईजिली मर जाएगा। लेकिन उस बंदे ने मेरे को देख लिया था और उसकी तरफ मेरा मुंह था, तो उसके मेरे को हेड पड़ जाते लगातार 2, और भाई मैं हो जाता हूँ किल। उसके बाद भाई मेरे को लूट नहीं मिलती है, मैं धीरे धीरे मेरे को गाड़ी नहीं मिलती, बहुत देर गाड़ी ढूंढने में लग जाता है। उसके बाद सीधा लास्ट जोन आ जाता है, तो भाई मैं सीधा आ जाता हूँ लास्ट के जोन में। अब यहाँ पर स्काइलन गेमिंग भी था इस गेम में, जो कि आपने देखा स्टार्टिंग में मेरी फ़ाइट हुई थी उससे पेट्रोल पंप पे। अब उसके बाद भाई फिर से होने वाली है फ़ाइट, उस फाइट के लिए वेट करना तुम। यहाँ पर क्या होता है, अब राइट वाले टावर में जो है ना, यहाँ पर रहता है स्काइलन गेमिंग। अब ये मेरे पे लेता है स्प्रे, लेकिन मैं लकीली यहाँ पर बच जाता हूँ। ओपन गाड़ी थी, मेरे को नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर आ पाऊँगा, ये सेंटर ऑफ द पोजिशन है ये कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 किल मेरे को मिलने वाले हैं एकदम फटाफट। यहाँ पर देखो तुम कैसे मिलने वाले हैं 2 किल। अब यहाँ पर इस बंदे को डैमेज और भाई गाड़ी का टायर स्काइलन ने फोड़ा था, लेकिन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर किल। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट जो प्रोसेस थी, एक बंदा और आता है उस पर, वो बंदा फिर से स्प्रे लेता है स्काइलन, लेकिन मैं फिर से उसका किल चुरा लेता हूँ। अब भाई मेरे सामने वाले कंपाउंड पे एक बंदा रहता है जो कि मेरे को पता नहीं कहाँ से एंगल निकाल के मेरे को डैमेज दे देता है। मैं अगर 1 सेकंड और लेट होता तो मेरा वहाँ पे पेटी बन सकता था। अब देखो ये लास्ट जोन का सर्वाइवल है, अभी यहाँ पे मेरे को जोन में निकलना पड़ेगा। मैं जोन के बाहर हो जाऊँगा, फिर देखना कि भाई कैसे जोन के अंदर जाते हैं भाई, कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तभी लेफ्ट की साइड पे भाई एक स्मोक रहता है, स्मोक होता है, अभी स्मोक हो जाएगा। जैसे ही स्मोक हुआ, मैंने स्मोक में रैंडम स्प्रे लिया। बट बंदा तो आता नहीं है स्प्रे में, मैं यहाँ पर, मेरे को पता था कि वो बंदा है या तो मेरे पे आएगा या तो यहाँ से निकलेगा, और मेरे पास एक स्मोक था, तो मैंने कहा भाई अगर उस बंदे को मारना है तो यहाँ पर स्मोक करना पड़ेगा, इसका व्यू ब्लॉक करना पड़ेगा। उसका व्यू ब्लॉक हो जाएगा तो भाई वो बंदा मेरे पे ना ही स्प्रे ले सकता है, ना ही ग्रेनेड और मोलोटोव। तभी वो बंदा निकलता है होवरबोर्ड लेके, और भाई उसको ईजिली गिरा देते हैं। इसके बाद अब मेरे को जोन के अंदर निकलना था, तो भाई अब यहाँ से तुम गेम का पूरा इंटेंस मोमेंट इन्जॉय करो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि राइट साइड में एक बंदा रहता है, राइट में एक कंपाउंड है, एक सामने कंपाउंड है। सामने वाले कंपाउंड में मेरे को जाना है, राइट वाले में एक बंदा है, एक वाले बंदा सामने वाले कंपाउंड पे है। अब कैसे यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके रोटेशन लूँगा, जैसे ही
गेम स्टार्ट होता है, जोन स्टार्ट होता है, मैं निकलने की ट्राई करता हूँ, तभी मैं पीछे एक बग्गी आता है, मैंने कहा चलो भाई इस बंदे को मारते हैं, लेकिन तभी वो बंदा कबर में था तो मैं वापस ही आ गया, क्योंकि मैं ओपन में था, मैं कबर में नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आ रहा होता हूँ जोन के अंदर। अब मेरे को डाउट ये था, डर ये था कि लेफ्ट की साइड में अगर कोई हुआ रिज पे, क्योंकि वहाँ पे जोन है, तो लेफ्ट में अगर कोई बंदा हुआ तो मैं तो गया, क्योंकि मेरे पास ना तो ही स्मोक से ना ही ग्रेनेड से कुछ नहीं है भाई, मैं सिर्फ यहाँ पर बंदों का वेट कर सकता हूँ, को कब मेरे ऊपर वे आए तब मैं उनको किल करूँ। अब राइट में फाइट हो चुका था, सामने वाले कंपाउंड में, राइट वाले कंपाउंड में बंदा था, लेफ्ट में मैं स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था लेकिन कोई मेरे को दिख नहीं रहा था। यहाँ पर काफ़ी देर मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, तो मैं घर में घुसने का ट्राई करता हूँ, मैंने कहा घर में चले जाते हैं इससे अच्छा है, तभी मेरे को यहाँ पर लगा कि मैं घर में गलत आ गया, क्योंकि अगर किसी बंदे ने रस किया तो ना ऊपर जो बंदा है ना वो तुरंत मेरे पे रस कर देगा और भाई मेरे को इजीली किल कर देगा। अब राइट की साइड से बंदा आता है तो मैं रैंडम स्प्रे देता हूँ, मतलब रैंडम शॉटगन मारता हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं होती है। इसके बाद मेरे को जोन में निकलना था। अब भाई यहाँ पर स्कैलियन भी बचा हुआ है, मैं भी बचा हूँ, पाँच बंदे बचे हैं, पाँच में से चार बंदे बचते हैं अभी कुछ थोड़ी देर बाद, फिर देखना कि कैसे फाइट होता है हम दोनों का। अब यहाँ पर उसका भी कनेक्ट हुआ था लेकिन शायद उसका गोली जो है ना वो मेरे पैरों पे कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं मरा नहीं। अगर मेरे पेट पर या छाती पे या मेरे हेड पे पड़ता तो मैं ज़रूर किल हो जाता उससे पहले। उसका पहले गोली कनेक्ट हुआ था, मेरा बाद में कनेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर सेकेंड चांस लिया और भाई मतलब बच गए हो तो सेकेंड चांस में मैंने उसको हेड मारा और वो किल हो जाता। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने सेकेंड गेम प्ले की। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं इवेंट पे जाता हूँ, वहाँ पे तुरंत ही मर जाता हूँ, आता हूँ इस वाली ड्रॉप लोकेशन पे। अब यहाँ पर एक बंदा रहता है, अब इस बंदे से मेरी बातचीत भी होती है, तो ये बंदा बोलता है कि भाई टीम अप कर लेते हैं, मैंने कहा भाई टीम अप तो नहीं करते हम, अगर तेरे को जाना है तो जा सकता है, लेकिन ये बंदा हार्ड कैंप करके बैठ गया था। अब देखो मेरे को इतना पता था कि ये बंदा तो मेरे पे रस करेगा नहीं, मेरे को जोन में निकलना है, उसको भी जोन में निकलना है, तो मैं इस वाले गेम में मेरा होने वाला था टॉप 500, तो मैंने कहा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ और धीरे धीरे करके भाई पैदल भागते भागते डरते डरते, क्योंकि पीछे जो बंदा है ना वो मेरे को मार सकता है, इसलिए भाई मैं डरते डरते भागते भागते जोन के अंदर आता हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मेरा भाई कॉन्करर होने वाला था इस गेम में, मैं क्यों ही भाई फाइट लूँ और क्यों ही मर जाऊँ फालतू का माइनस लेके टेंशन लेके। तो भाई यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भाई मेरे को मिलती है एक फिलियर। अब मेरे को फिलियर मिल चुकी थी, मेरा पूरा प्लान सेट था कि भाई अब मंगाएंगे भाई अपन VIDM, VIDM से अपन सर्वाइव करेंगे, लास्ट तक जाएंगे और चिकन डिनर निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं आते ही कर देता हूँ फायर फिलियर, और जैसे ही मेरा फिलियर आता है तभी यहाँ पर आ जाता है एक बंदा। अब इस बंदे ने भाई ये बंदा मेरे पे फायर लेना स्टार्ट कर देता। अब मेरे पे फायर आया, मैंने कहा भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला ना तो ये मेरा VIDM फोड़ देगा और मेरे को जोन में निकलना है। अगर VIDM फोड़ गया तो मेरे पास आसपास गाड़ी भी नहीं है मैं जिससे जा सकूं, और ना ही मेरे पास इतनी हीलिंग है, तो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ जोन में निकलना ना कि उस बंदे से फाइट लेना। मैं सीधा VIDM निकालता हूँ शूटिंग रेंज के बाहर और निकल लेते हैं जोन के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो सामने की तरफ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, मेरे को लूट भी चाहिए था, मैंने कहा अगर ये मेरे से फाइट लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं लूँगा, लेकिन ये बंदा पेड़ पे जाके छुप जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं। अब जैसे ही मैं VIDM लेके निकल रहा होता हूँ तभी मैंने कहा देखते हैं भाई ये बंदा करता क्या है, तभी ये बंदा बग्गी की तरफ भागता है और भाई मैंने कहा ये है मौका इस बंदे को मारने का। अब जैसे ही इस बंदे को किल किया, अब मैंने कहा चलो भाई अब इस बंदे को लूट भी लेते हैं, क्योंकि इससे लूट मिलेगा कुछ ना कुछ, इसको वगैरह मिल जाएंगे। अब जैसे ही मैं इस बंदे के पास आता हूँ तभी मेरे को एक बग्गी दिखता है, मैंने कहा अगर मैं अभी लूटने के लिए उतरा तो ये बंदा ज़रूर चांस लेगा मेरे को किल करने का, लेकिन ये निकल जाता है सीधा, तो मैं इस बंदे को लूटता हूँ। लूटने के बाद सीधा चलते हैं भाई अब हम जोन के लास्ट जोन में। अब यहाँ पर देखो सामने वाला कंपाउंड होता है जोन में, तो मैं सीधा जाता हूँ सामने वाले कंपाउंड में, मैंने कहा भाई वहीं पे लास्ट तक जोन बनेगा,
सीधा जाके ठोक देते हैं। अगर कोई मेरा गाड़ी फोड़ने का ट्राई करेगा तो मेरे पास कंपाउंड है, कंपाउंड पे कबर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट में एक जो सीमेंट्री है वहाँ पे बंदा होता है, स्क्वाड हाउस में भी बंदा होता है और बंदों के रोटेशंस आ रहे थे। अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ जो सीमेंट्री वाला बंदा है उसको मारने का, और भाई इस बंदे को कैसे मारा है ना वो देख के तुमको हंसी आएगी। मैं सीधा VIDM घुसा देता हूँ सीमेंट्री के अंदर, और भाई अब तुम यहाँ पर देखो आगे कैसे सर्वाइव करते हैं। बंदा मेरी गाड़ी फोड़ने का ट्राई करता है और भाई सामने मेरे आ जाता है VIDM के, और इसको कुचल देता हूँ मैं। अब यहाँ पर इस बंदे को लूटता हूँ। अब राइट की साइड एक बंदा है जो कि मेरे को जोन में नहीं जाने देगा, इतना मेरे को पता था। तभी लेफ्ट से मिनी चलने का साउंड आता है और लेफ्ट से आता है एक रोटेशन। अब जैसे ही इस बंदे को किल किया, चार बंदे बचते हैं, एक बंदा और यहाँ पर किल हो जाता है, तो हम तीन बंदे बचे थे। एक बंदा बचा था स्क्वाड हाउस में, एक मैं, एक बंदा और सामने की तरफ था। तो मेरे को इतना पता था कि अगर मैं जोन में जाऊँगा ना तो मेरे को स्क्वाड हाउस वाला बंदा मारने वाला है कैसे भी ना कैसे करके। तो मैं यहाँ पर इस पर ग्रेनेड वगैरह ट्राई करता हूँ लेकिन ग्रेनेड लगते नहीं है। अब टाइम हो चुका था जोन में निकलने का, बस मेरे को इतना पता था कि भाई मैं कैसे भी करके जोन में पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं सर्वाइव करूँगा, क्योंकि ये बंदा जो राइट में है ना, ये बंदा मेरे को जोन में नहीं जाने देगा। अब यहाँ पर भाई ये जो बंदा जिसको मैंने मारा अभी, वो बंदा स्क्वाड हाउस वाले बंदे को मार देता है और भाई मैं इसको मार के चिकन डिनर ले लेते हैं। तो इस वाले गेम में मेरे को 26 का प्लस मिला था और इस वाले गेम के बाद मेरे को खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मेरा हो चुका था कॉन्करर। तो गाइस ये था गेम प्ले वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।